बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जिसका नाम है यूजर सर्विसेज इन लाइब्रेरीज। इस सब्जेक्ट को हमने HEC करिकुलम से उठाया हुआ है, जो कि BS लाइब्रेरी साइंस, MLS और डिप्लोमा कोर्स के लिए इंतहाई कारामद। तो आज इसका लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको पढ़ाना है करंट अवेयरनेस सर्विसेज। करंट अवेयरनेस सर्विसेज को आम लफ्जों में CAS सर्विसेज भी कहते हैं, CAS करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो ये कौन सी सर्विसेज, इस पे हम रोशनी डालेंगे। सो स्टे विद अस। व्हाट आर करंट अवेयरनेस सर्विसेज? करंट अवेयरनेस सर्विसेज क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विसेज CAS सर्व्स एज ए वैल्यूएबल टूल फॉर रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एक्सेस टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड एनेबलिंग देम टू स्टे इनफॉर्म एंड एंगेज इन देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। करंट अवेयरनेस सर्विसेज लाइब्रेरी में इसीलिए मुहैया की जाती है कि स्टूडेंट्स को, जो कि अपने डिसिप्लिन के हो, उसको लेटेस्ट मवाद जो है ना एक्सेस हो और उसको उस काबिल बना दिया जाए कि जो जो चीज़ लाइब्रेरी में ऐड हो गई, चाहे वो आर्टिकल्स की शक्ल में या बुक्स की शक्ल में, तो उसको इन्फॉर्म करें। करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिजाइन टू इन्फॉर्म द यूजर्स अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ट्रेंड्स एंड रिसोर्सेज इन देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको जैसे मैंने बता दिया इस सर्विसेज से मुराद क्या है, कि जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स या ट्रेंड्स हो या रिसोर्सेज एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक हर डिसिप्लिन के लोगों के लिए आई हुई, तो हर कंसर्न डिसिप्लिन को उसके बारे में भेजना। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस सर्विस इज टू हेल्प यूजर स्टे अप टू डेट विद रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर एक्सटेंसिव सर्चिंग और मॉनिटरिंग। इससे मुराद ये कि जितने यूजर्स है लाइब्रेरी में वो अप टू डेट रहे और उसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और उसको जो एक्सटेंसिव सर्चिंग या मॉनिटरिंग जो लाइब्रेरी में है उसी के बारे में वो अपडेट, और लाइब्रेरी की जो ना ये जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरी हो जाए। फिर इसके की फीचर्स है, की फीचर्स ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो हमने थोड़े से जो है ना इसको, मेरे जो लेक्चर्स है ये मुख्तसर है, वो तकरीबन 40-50 मिनट्स के लेक्चर से टोटली मतलब डिफरेंट है। मेरा काम जो है ना आपको सिर्फ मकसद और मतलब समझाना है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने मुख्तसरन इसके कुछ की फीचर्स जो है ना इनकम्पास किए हुए। इसमें जो पहला अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, आपने अक्सर देखा होगा कि लाइब्रेरीज सब्सक्राइब टू वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, जर्नल्स और न्यूज सोर्सेज एंड सेट अप अलर्ट्स टू नोटिफाई यूजर्स व्हेन न्यू कंटेंट्स रिलेवेंट टू देयर इंटरेस्ट इज पब्लिश्ड और बिकम अवेलेबल। आजकल जो डेटाबेस है, कोहा ले ले या ये जो इंसिग्निया ले ले या मुख्तलिफ किस्म की जो कमर्शियल बेस्ड सॉफ्टवेयर आई हुई है, तो जो चीज़ें आप ऐड कर रहे थे आपके पास जितने मेंबर्स हैं उसको या तो ऑटोमेटिकली ईमेल जाती है या SMS के ज़रिए से जो है ना वो अलर्ट मिलती है, जिससे यूजर्स को नोटिफाई करते हैं कि न्यू कंटेंट्स उसके फील्ड से रेलिवेंट अवेलेबल है, सो यू कैन इशू देम। तो ये है अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन सर्विस, या तो मोबाइल पे या ईमेल के जरिए से या नोटिस बोर्ड के जरिए से इसको अलर्ट्स करते होते हैं। कस्टमाइजेशन, यूजर्स कैन ऑफन कस्टमाइज देयर प्रेफरेंसेस टू रिसीव अपडेट टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक टॉपिक्स, कीवर्ड्स आर एरिया ऑफ रिसर्च। जो यूजर्स होते हैं वो कस्टमाइज करते हैं, प्रेफरेंस उसी चीज़ को देते हैं कि वो अपडेट जो ना रिसीव करे जिसके स्पेसिफिक टॉपिक से रेलिवेंट हो या उसके जो कीवर्ड्स हो। मिसाल के तौर पे मैं लाइब्रेरी साइंस डिसिप्लिन का हूँ, तो मैंने अपने ही यूजर प्रोफाइल पे चीज़ों को कस्टमाइज किया कि इस कीवर्ड से, इस टॉपिक से रेलिवेंट जो भी चीज़ आ जाए, तो वो आजकल सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी दी हुई है, तो उसको वही सब्जेक्ट जो जो इसके कैटलाग में एंटर हो जाती है तो उसको आ जाती है। फ्रिक्वेंसीज, अपडेट्स कैन बी डिलीवर्ड इन रियल टाइम, डेली, वीकली और इंटरवल्स चूजन बाय द यूजर्स। मुख्तलिफ किस्म के जो है ना अलर्ट लगाए होते, या तो डेली बेसिस पे किसी ने अलर्ट लगाया या वीकली बेसिस पे या
जो भी इंटरवल्स होते हैं यूजरनेस के मुताबिक, डिपेंडिंग ऑन दियर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द यूजर्स। फ्रिक्वेंसी से मुराद ये कि लोगों ने अब लाइब्रेरी में चूंकि डेली बेसिस पे चीज़ें ऐड होती जा रही है, तो कोई डेली बेस पे, कोई वीकली बेस पे या कोई मंथली बेस पे ये अलर्ट हासिल करते होते और उसकी फ्रिक्वेंसी के मुताबिक वो जाते लाइब्रेरी में वो चीज़ तलाश करते होते। मल्टीपल फॉर्मेट्स, करंट अवेयरनेस सर्विसेज में डिलीवर इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के जरिए से आप करंट अवेयरनेस सर्विसेज की सर्विसेज मुहैया कर सकते। वो है ईमेल अलर्ट्स, आरएसएस फीड्स, न्यूज़लेटर के जरिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जैसा कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे या इस तरह के मुख्तलिफ व्हाट्सएप सर्विसेज। मल्टीपल फॉर्मेट्स में आप लोगों को अलर्ट शेयर कर सकते हैं और जो ही लाइब्रेरियन के पास इस तरह की टाइटल्स आ जाती है तो वो हर डिसिप्लिन को अलर्ट के जरिए से उसको मल्टीपल फॉर्मेट में से भेजे जाते हैं। फिर कहते हैं कंटेंट सिलेक्शन। लाइब्रेरियंस आर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, क्यूरेट एंड सिलेक्ट रिलेवेंट कंटेंट्स टू इंक्लूड इन द करंट अवेयरनेस सर्विस। जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि कंटेंट सिलेक्शन में लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि एक डिसिप्लिन की चीज़ें दूसरे डिसिप्लिन के पास ना जाए, इंश्योरिंग दैट यूजर्स रिसीव हाई क्वालिटी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। इससे मुराद ये कि जो यूजर्स होते हैं उसको जो भी मवाद मिले वो हाई क्वालिटी की हो, और टाइमली इंफॉर्मेशन से मुराद ये कि एक चीज़ आज आई हुई, एक आर्टिकल आई हुई न्यूज़पेपर की आर्टिकल या मैगजीन की, तो टाइम पे आप उनको डिलीवर कर लें। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, लाइब्रेरीज में ऑफर ट्रेनिंग सेशन और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू हेल्प यूजर सेटअप एंड मैनेज देयर करंट अवेयरनेस सर्विस अलर्ट्स इफेक्टिवली। इससे मुराद ये कि आप अपने यूजर को ट्रेन करें कि हम मुख्तलिफ किस्म के मवाद लाइब्रेरी में ऐड कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करें ताकि इसकी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से रिलेवेंट जो भी चीज़ आ जाए उनको प्रॉपरली डिलीवर हो जाए और टाइम पे डिलीवर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि फीचर्स के बारे में, क्योंकि करंट अवेयरनेस सर्विसेज के और करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में खुद जितनी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल गई होगी तो कल किसी इंटरव्यू में या टेस्ट में इसके बारे में छोटा सा इससे लिख सकेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपनी जो है ना ये कमेंट्स आप यूट्यूब के वीडियो पे दे दें, जिससे जो है ना इंकरेजमेंट भी मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि जो जो चीज़ ज़्यादा कमेंटेबल होती है तो वो लोग इसमें ज़्यादा वॉच करने में इंटरेस्ट लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।